हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डाइस पार्ट सेकंड। यदि आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आपको पहला पार्ट जरूर देखना चाहिए क्योंकि सारी बेसिक चीजें वहीं पर है। ठीक है दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा जब डाइस की एक आकृति दे रखी हो, चाहे वो मानक पासा हो या सामान्य पासा हो, तो कैसे उन सवालों को सोल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जब डाइस की दो और दो से ज्यादा आकृतियां दे रखी होंगी तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, और एक गारंटी है मेरी कि आज के बाद डाइस का कोई सवाल गलत नहीं होगा, ये मैं पर्सनल गारंटी लेता हूं। और वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप लाइक कीजिए, अगर आपने कुछ सीखा होगा यहां से तो ही वीडियो को लाइक करना है। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कहां कमी थी। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें अपना पता लगे कि हमारे अंदर कहां कमी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका स्वागत है, कमेंट्स कीजिए, डिसलाइक कीजिए अगर पसंद नहीं है तो, और अगर पसंद आया, आपने कुछ समझा तो लाइक भी बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं डाइस पार्ट सेकंड। तो यहां पे हम पढ़ेंगे कि जब डाइस की दो आकृतियां दी जाए तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से डाइस की दो आकृतियां दी जाएं। थोड़ा सा हमने पहले बेसिक उसमें पढ़ लिया था कि जब मानक पासे की दो आकृतियां दे रखी होंगी तो विपरीत का योग कितना हो जाता है, सात से हम सोल्व कर देते हैं। आइए अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये डाइस की आपके सामने दो आकृतियां दे रखी हैं। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि डाइस की दो आकृतियां नहीं है, दो ये अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस की दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिखाई गई आकृतियां हैं। यानी अगर यहां पे सात आ जाता है, यहां सात नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तो सामान्य है और ये मानक है। अगर कहीं भी सात नहीं आता है, मान लीजिए चार आकृतियां हैं, अगर कहीं भी सात नहीं आया तो पूरा पासा मानक होगा। आपने चेक किया पहले तीन में तो सात नहीं था, लेकिन आखिरी में जाके सात आया, तो इसका मतलब पूरा ही पासा कौन सा होगा, सामान्य होगा, मतलब रोल उसमें सामान्य वाले लगेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक ही डाइस को हम कई प्रकार से कई एंगल से शो कर सकते हैं, इसलिए इनको अलग अलग नहीं एक ही डाइस माना जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पासा कौन सा है। तो यहां पर चार और तीन सात है, इसका मतलब पासा कौन सा है भाई, सामान्य है, जर्नल डाइस। अब दूसरा यहां पे चेक करने की कोशिश करते हैं, कोई ट्रिक ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, दो नंबर तो कॉमन नहीं है, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो भी हम सोल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि तीन है वो यहां भी कॉमन है और तीन है वो यहां भी कॉमन है। ठीक है, तीन है यहां भी फ्रंट पर है और तीन है वो यहां भी फ्रंट पर है। तो डाइस का जो सामान्य पास से संबंधित पहला रूल है वो यही कहता है कि जब सामान्य पासे की दो आकृतियां दी जाएं, दोनों में एक नंबर कॉमन हो तथा एक ही सतह पर हो, तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे रूल फॉलो कर रहा है, एक ही डाइस की दो आकृतियां दे रखी हैं, दोनों में एक नंबर कॉमन है, एक ही सतह पर कॉमन है, तो बचे हुए नंबर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसका मतलब दो अगर टॉप पर है तो यहां पे टॉप पर क्या है भाई, छह, तो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, छह, और चार का विपरीत पांच। तो यहां से हम ड्रा कर सकते हैं कि दो का अपोजिट छह है, चार का अपोजिट पांच है, तो तीन का अपोजिट क्या जाएगा भाई, एक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको डाइस इस प्रकार से दिया गया, ये डाइस की दो आकृतियां हैं आपके सामने, और आपसे पूछा गया यहां पे मान लीजिए कि छह का विपरीत कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यही चेक करना है कि डाइस कौन सा है। तो आपने देखा कि छह और एक सात, मतलब सामान्य पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चेक करना है कि कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, तो आपको कॉमन नंबर दिखाई दे रहा होगा कि दो यहां भी कॉमन है और दो यहां भी कॉमन है। दो जो है वो यहां भी राइट पर है और यहां भी राइट पर है, इसका मतलब एक ही नंबर कॉमन है, एक ही सतह पर कॉमन है, तो बचे हुए नंबर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे दोस्तों। तो छह का विपरीत क्या जाएगा, तीन, और एक का विपरीत क्या जाएगा, पांच।
तो यहां पे हम ड्रा कर सकते हैं कि 6 का विपरीत 3 आएगा, 1 का विपरीत 5 आएगा, तो 2 का विपरीत क्या जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पे हमसे पूछा गया है 6 का विपरीत, तो कहां टिक कर देंगे, ऑप्शन 3 वाले पे हम टिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला रूल था, आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर, अगले टाइप पर, जब एक ही नंबर कॉमन हो लेकिन एक ही सतह पर ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने डाइस की दो आकृतियां दे रखी हैं और सवाल यह है कि इनका अध्ययन करते हुए बताइए एक का विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डाइस कौन सा है, तो यहां पे हमें 7 नहीं है लेकिन यहां पे 4 और 3 7 दिखाई दे, इसका मतलब पासा कौन सा है, ये सामान्य है। अब दूसरा चीज यहां पे देखते, कोई नंबर कॉमन तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यस 3 यहां भी कॉमन है और 3 यहां भी कॉमन है, लेकिन हमने तो पिछला रूल देखा कि एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए एक ही सतह पर, नंबर तो एक ही कॉमन है यहां पे लेकिन सतह अलग अलग है तो कैसे सोल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, सबसे पहले मैं बेसिक समझाता हूं फिर आपको मैं यहां पे ट्रिक बता देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दोनों के कॉमन नंबर है ना उनको ऊपर नीचे राइट डाउन कर लेंगे इस प्रकार से, भाई इसका 3 मैंने यहां लिख दिया, इसका 3 मैंने यहां लिख दिया। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं उस दिशा में देखेंगे कि कौन से नंबर आते हैं आपके कॉमन नंबर से। जैसे यहां पे 3 से चलते हैं घड़ी की दिशा में, तो पहले क्या आएगा 2, और 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। अगर 3 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 आता है और 2 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पे हम लिख दिया भाई 3 के बाद 2 आया था और 2 के बाद 1 आया था। यही काम आपको यहां करना है, अगर 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 4 आएगा और 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। तो हमने देखा 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, तो वही चीज हमने यहां कि भाई 3 के बाद 4 आया था और 4 के बाद 5 आया था। दोस्तों आपने जो नंबर अरेंज किए हैं यही एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब 1 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 4 है, तो 3 का विपरीत क्या जाएगा 6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हमसे पूछा गया सवाल यह है कि 1 का विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो कहां टिक कर देंगे 5 पर। अब बात करते हैं ट्रिक की, तो ये तो हमने डिटेल समझा इस चीज को, आप यहां पर देख रहे हो क्लॉकवाइज ही तो अरेंज किया है हमने, वही काम आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते हो कि 3 के बाद पहला नंबर क्या 2, इसमें 3 के बाद पहला नंबर क्या 4, तो 2 का विपरीत 4 और 1 का 5 और 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं उसी प्रकार का। तो यहां पे आपको सबसे पहले चेक करना है पासा कौन सा, तो यहां पे 5 और 2 7, मतलब पासा सामान्य है। अब देखते हैं कोई नंबर कॉमन है क्या यहां पे, तो यस यहां पे भी 5 है और यहां भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, एक ही सतह पर कॉमन नहीं है तो 5 5 को ऊपर नीचे राइट डाउन कर दिया, अब इसका 5 मैंने यहां लिख दिया, इसका 5 मैंने यहां लिख दिया। अब इसमें देखेंगे 5 के क्लॉकवाइज नंबर कौन कौन से आते हैं, तो यहां पे 5 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, तो 5 के बाद 2 आया, यहां पे 2 के बाद 1 आया। वही काम आप यहां पे करेंगे, 5 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, तो 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6। अब जो नंबर आपने अरेंज किए हैं यही एक दूसरे के विपरीत है, तो 1 का विपरीत क्या आएगा दोस्तों 6, 2 का विपरीत क्या आएगा 4 और 5 का विपरीत क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमसे सवाल पूछा होता है 2 का विपरीत बताइए, तो कहां टिक कर देते हम 4 पर, ठीक है। दोस्तों जरा ध्यान से देखना, एक दोस्त हमारा उत्तराखंड का भाई है, वो बार बार थोड़ा सा कॉमेंट्स कर रहा है कि सामान्य पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग कह रहा है कि 7 को छोड़कर कुछ भी आ सकता है, लेकिन कह रहा है कि 7 नहीं आएगा क्योंकि वो तो मानक पासे में आता है। दोस्तों ऐसा है कि मानक पासे में केवल 7 होता है, जबकि सामान्य पासे में 7 के अलावा भी कुछ हो सकता है, आपने उल्टा पढ़ा उस चीज को, ठीक है। जिस भी टीचर ने आपको, वो ये भी कह रहा है कि मैंने कई टीचरों से पूछा है, किताबों में पढ़ा है, भाई एक बात बताओ, टीचर ने आपको बिल्कुल सही बताया है, किताब में भी वो बात सही लिखी है, आपने उस चीज को गलत पढ़ा है, गलत उसको अंडरस्टैंड किया है। मानक पासे में विपरीत का योग केवल 7 होता है, जबकि सामान्य पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 के अलावा भी हो सकता है। आपने ये कह रहे हो कि 7 के अलावा और हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 7 भी हो सकता है और 7 के अलावा भी 11 तक जा सकता है, कि 6 का अपोजिट 5 भी आ सकता है, 6 का अपोजिट 1 भी आ सकता है, 6 का 2 भी आ सकता है,
बात आई समझ में, और वो चीज यहां पे साबित भी हो रही है। जरा देखना पासा, ये सामान्य तो है और सामान्य में छह का विपरीत एक हो रहा है, तो छह रे कितने होते हैं, सात ही होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं भी जरूर नहीं, आपने गलत पढ़ा उस चीज को, आप ठीक कीजिए अपने क्वेश्चन को, टीचरों को गलत में ठहराओगे आप, ठीक है। जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया है बिल्कुल सही पढ़ाया है, आपने गलत अंडरस्टैंड किया है। फिर से सुन लीजिए, सामान्य पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग 3 से लेकर 11 तक कोई भी नंबर आ सकता है, 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 6 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, 6 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 का 5 भी हो सकता है, लेकिन मानक पासे में हमेशा 7 होता है, 7 के अलावा कुछ नहीं होगा, किसमें, मानक पासे में। आई बात समझ में? तो दोस्तों हमने ये टाइप भी कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, जब किसी सामान्य पासे की 2 आकृतियां दी जाएं और 2 नंबर कॉमन हो तो कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले टाइप है, जब किसी सामान्य पासे की 2 आकृतियां दी जाएं और 2 नंबर कॉमन हो तो कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, पासा ये सामान्य है, 5 और 2 7 आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, तो यहां पे कॉमन नंबर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई 2 और 3 यहां भी कॉमन है और 2 और 3 यहां भी कॉमन है, यानी 2 नंबर यहां भी कॉमन है, वही 2 नंबर यहां पे कॉमन है। तो रूल है वो ये कहता है दोस्तों कि जब सामान्य पासे की 2 आकृतियां दी जाए और 2 नंबर कॉमन हो तो बचा हुआ एक एक नंबर एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। भाई 2 और 3 यहां कॉमन था, 2 और 3 यहां कॉमन था, तो बचे हुए कौन कौन से दोस्तों, इधर 5 और इधर कितना, 6, तो 5 का विपरीत क्या जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस। लेकिन अगर बात आपसे यह पूछी जाए कि बताइए 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 2 का विपरीत 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के साथ 3 दिखाई दे रहा है, तो एक साथ दिखाई देने वाली सरफेस एक दूसरे विपरीत नहीं हो सकती, 2 का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 6 तो एक दूसरे के विपरीत है, वो किसी और के विपरीत नहीं हो सकते, और 2 का विपरीत 3 हो नहीं सकता। तो बचे हुए सरफेस कौन कौन से दोस्तों, 1 और 4। अगर हमसे पूछा गया मान लीजिए कि 2 का विपरीत बताइए, तो हम ये कहेंगे कि 2 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 2 का विपरीत आ सकता है 1 भी और 4 भी। इसी क्रम में आपसे मान लीजिए पूछा जाता कि बताइए 3 का विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है 3 का विपरीत 2 नहीं आ सकता, और 5 और 6 भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो एक दूसरे के विपरीत है, तो 3 का विपरीत भी आ सकता है 1 या 4 में से कोई एक विद पॉसिबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि 3 का विपरीत आएगा 1 या 4 में से कोई एक। उसी प्रकार अगर कहा जाता भी 4 का विपरीत बताइए, 4 का, तो हमें कहते 4 का विपरीत 1 तो नहीं आएगा और 5 और 6 भी नहीं आएगा, तो 4 का विपरीत आ सकता है 2 या 3 में से कोई एक। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए सवाल अलग अलग कंडीशन में किस प्रकार के ऑप्शन आते हैं और कैसे हम उनको टैकल करते हैं, आइए देखते हैं। सवाल सेम है कि 3 का विपरीत बताइए, अलग अलग कंडीशन में जो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे तो कैसे हम टिक करेंगे इस टाइप में सवालों को। तो आपको पता है 3 का विपरीत आ सकता है 1 या 4 में से कोई एक, कंफर्म नहीं है, 1 भी आ सकता है या 4 भी आ सकता है। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई दें कि 3 का विपरीत बताइए, तो आपको पता है 3 का विपरीत 2 तो नहीं आ सकता, 3 का विपरीत 5 भी नहीं आ सकता, और 3 का विपरीत 6 भी नहीं आ सकता, तो आपको कहां टिक करना पड़ेगा, 1 पर टिक करना पड़ेगा। अगर यही ऑप्शन मान लीजिए इस प्रकार से होते, आपको पता है 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 तो नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन डी कह रहा है 1 और 4 में से कोई एक, तो आपको पता है 1 और 4 तो कंफर्म नहीं है, हाँ इन दोनों में से कोई एक है वो क्या है, कंफर्म है, तो कहां जाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन डी के साथ जाना। इसी प्रकार मान लीजिए ऑप्शन इस प्रकार से होते कि 2, 5, 6, 4, तो आपको पता है 3 का विपरीत 2 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, तो कहां टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन डी पर टिक करना पड़ेगा। इसी प्रकार मान लीजिए पूछा जाता कि भाई इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं 3 का अपोजिट, तो आपको पता है 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 तो नहीं आएगा, 4 भी हो सकता है, अब 2 में से आपको 1 टिक करना है, या तो आप ए पर टिक कीजिए या आप सी पर टिक कीजिए।
आपको पता आपका आंसर एक भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, तो दो में से आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो कहां टिक करना पड़ेगा, कैन नॉट है डिटरमाइंड पर निर्धारित नहीं कर सकते। इसी प्रकार मान लीजिए सेम ऑप्शन ऐसे होते कि एक तो दो नहीं आएगा आपको पता है, छह भी नहीं आएगा। अब एक ऑप्शन एक है, एक ऑप्शन एक और चार है, तो आप मुझे बताइए कहां टिक करोगे आप, क्या सी पर टिक करेंगे? नहीं, क्योंकि सी तो कंफर्म नहीं है। एक ऑप्शन कह रहा है कि एक और चार में से कोई एक, तो यस एक और चार में से ही कोई एक आपका क्या होगा, आंसर होगा, तो कहां टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन है डी पर दोस्तों। तो संयोग से सभी का आंसर ऑप्शन डी आया, लेकिन बात यह है कि इस प्रकार के सवालों में एक आंसर तो आप कंफर्म दे सकते हो कि जो नंबर कॉमन नहीं थे बचे हुए वो एक दूसरे विपरीत हो जाएंगे। आप ये 100% कह सकते हो कि पांच का विपरीत तो छह ही आएगा, लेकिन जो नंबर कॉमन थे यहां पे उनमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के आधार पे दिया जाता है विद पॉसिबिलिटी, ठीक है। जैसे ऑप्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हेलो दोस्तों, अगली टाइप पर जाने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जैसे डाइस का पार्ट सेकंड जो पार्ट है, डाइस का पार्ट वन हमने दो तीन दिन पहले डाल दिया था, सेकंड पार्ट में लेट हुआ। इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि मैं जो अपनी वीडियोज हैं, जितने वीडियोज हैं, चाहे वो टीचिंग की वीडियोज हैं या मोटिवेशनल हैं या कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई अपडेट है, वो सारी ही मोबाइल से शूट करता हूं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि मान लीजिए वीडियो शूट कर रहे हैं अभी डाइस की, मान लीजिए हमने 40 मिनट की शूट करी, 40 मिनट का वीडियो बनाया, तो आपको पता होगा ये चीज तो कि जब हम फुल एचडी बनाते हैं तो 40 मिनट का वीडियो मतलब 4 GB, ये आपको पता होगा। अब दोस्तों इसमें कुछ चीजें होती हैं कि जैसे ये वीडियो आप शूट कर रहे हैं, ये सिंपल वीडियो है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिंपल जैसे आपके सामने खड़ा वैसे हूं। अब जब हम इसको काइन मास्टर में किसी और ऐप में एडिट करते हैं तो आपको पता होगा होम ट्यूशन का यहाँ पे लोगो लगेगा, सब्सक्राइब कीजिए, फलाना चीज कीजिए, सारी चीजें आती है उसमें। तो जब एडिट करते हैं ना दोस्तों, तो पहली चीज तो जब वीडियो बनाते हैं तो 4 GB व्यू, जब काइन मास्टर में एडिट करने के बाद दोबारा उसको गैलरी में सेव करना पड़ता है, तो दोबारा से आपकी मेमोरी में 4 GB का स्पेस होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर एक ही 40 मिनट की वीडियो है वो 8 GB का डाटा घेरती है, ठीक है। तो ये वीडियो क्या हुआ कि मैंने दो तीन बार शूट की दोस्तों, लेकिन वो ओरिजिनल डिलीट कर दी और जो एडिट वाली थी वो सेव की गैलरी में। अब काइन मास्टर क्या करता है कि जब तक आपकी ओरिजिनल सेव है तभी तक उसको कॉपी करता रहता है, अगर आपने बीच में यानी एडिट करने के बाद भी डिलीट कर दी तो भी वो फिर उसमें फ्रेम फ्रेम रह जाती है, वीडियो डिलीट हो जाती है। तो दो तीन बार ये प्रयास किया, दो तीन बार मैंने वीडियो शूट की है और डिलीट हो गई अपने आप, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हुई इस वीडियो बनाने में। ये आप मान के चलिए मैं यही वीडियो सेम चौथी बार शूट कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ तीन बार मैंने ऑलरेडी डाइस पार्ट सेकंड उसी के दूसरे दिन मैंने शूट कर दिया था जितने वो वीडियो डाली थी, लेकिन वही बात कि थोड़ा सा एडिट करना नहीं आता क्योंकि मोबाइल में इतनी अभी है नहीं इतनी समझ, तो एडिट करते हैं वो कोई कभी कोई से डिलीट हो जाए, कभी कोई से डिलीट हो जाए, दिक्कत यह हो रही है, ठीक है। तो अब मैंने फैसला किया है कि जो बड़ी वीडियो हमारी टीचिंग की जितनी वीडियो है इनमें कोई एडिशन नहीं मिलेगा, इनको मैं सीधा ही अपलोड करूंगा बिना किसी नाम के, आपको ना तो लोगो मिलेगा ना कुछ सब्सक्राइब कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने का फर्ज आपका है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज ये है कि अगर आप और भी हमारे साथ अपडेट रहना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है यहां से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि परिवार बढ़ेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और वीडियो लेके आए, ठीक है दोस्तों। दिक्कत यह है कि YouTube पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, डाइस से भी, सीरीज से भी, रीजनिंग, मैथ, अर्थमेटिक, बहुत ज्यादा वीडियो है। दिक्कत यह है कि देखें किसकी। अब कई टीचर तो ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको एक दिन का पढ़ाने का ज्ञान नहीं है, छोटी छोटी वीडियो लेकर आएंगे दो दो मिनट की, हम नो करवा के दिखाएंगे अपनों, भाई पूरा कंसेप्ट पढ़ा के दिखाओ जब टीचर माने जाते हो। हाँ, कई टीचर हैं वो 8-8 घंटे, 7-7 घंटे, 6-6 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 42 मिनट 43 मिनट की ही वीडियो शूट हो पाती है, इसलिए हम एक एक पार्ट ही लेके आ सकते हैं आपके लिए। तो जो भी हम पार्ट आपके लिए लेके आते हैं जरा उसको ध्यान से देखो, पूरा देखो और कुछ सीखो, और ये वादा है जितना पढ़ाऊंगा क्वालिटी के साथ पढ़ाऊंगा, बेस्ट अपना देने की कोशिश करूंगा,
ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। तो यहां पे आपको डाइस की दो आकृतियां दे रखी हैं दोस्तों, और यहां पे सबसे पहले हम चेक करते हैं 6 और 1 7, मतलब पास्ता कौन सा ये सामान्य है। अब जरा नंबरों पे नजर मानते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर जो इसमें भी है इसमें भी है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 और 4 यहां भी है और 1 और 4 यहां भी है। जब दो नंबर कॉमन हो तो बचा हुआ एक एक नंबर एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, मतलब इधर 2 बचा इधर 6 बचा, तो मैं कह सकता हूं 2 का विपरीत कितना भाई 6। लेकिन दोस्तों 1 का विपरीत पूछा गया आपसे, तो आपको पता है 1 और 4 तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, 2 का विपरीत 6 हो सकता है, यानी ये तो 2 भारी होगी, अपनी कैलकुलेशन से बाहर होगी इनके संबंध में। तो आपको पता है 1 और 4 दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे विपरीत हो नहीं सकते, तो बची हुई सरफेस कौन कौन सी है दोस्तों, 3 और 5। मान लीजिए आपसे कहा गया 1 का विपरीत क्या आएगा, तुम कहेंगे 3 या 5 में से कोई एक। अगर कहता है 3 का विपरीत, तुम कहेंगे 1 या 4 में से कोई एक आपका आंसर होगा। यहां पे सवाल यह है कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है 4 का विपरीत क्या आएगा, 3 और 5 में से कोई एक विद पॉसिबिलिटी। अब ये अलग अलग 3 कंडीशन है, तो जरा देखते हैं कहां टिक करेंगे हम। तो ऑप्शन इस प्रकार से दिया हो मान लीजिए, तो आपको पता है 4 का विपरीत 1 नहीं आ सकता, 4 का विपरीत 2 नहीं आ सकता, 4 का विपरीत 6 नहीं आ सकता, तो कहां टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन डी पर। अगर यही ऑप्शन ऐसे होते हैं तो आपको पता है 4 का विपरीत 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 तो नहीं आ सकता। अब एक ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन, क्या आप इनमें डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपका कंफर्म आंसर है, नहीं कर सकते, तो कहां टिक करना पड़ेगा, कैन नॉट डिटरमाइन पर। लेकिन अगर इनकी जगह ये ऑप्शन होता है चौथा, 3 या 5 में से कोई एक, तो यहां तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो डिसाइड कर सकते हो कि हां इन दोनों में से ही तो कोई एक आपका आंसर है, तो आपको कहां टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन डी पर टिक करना पड़ेगा। आशा है कि ये टाइप भी आपको समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार के सवालों को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के आधार पर सॉल्व किया जाता है जब इन नंबरों की बात आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो और पासा सामान्य हो, आइए जरा देखते हैं। आइए दोस्तों अगली टाइप है जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है पासा तो कौन सा है सामान्य है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि दोनों ही आकृतियों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है और सवाल हमसे ये पूछ लिया गया कि 3 का अपोजिट बताइए कौन सा नंबर होगा। तो दोस्तों टीचर क्या करते हैं, कई स्टूडेंट भी इस चीज को पढ़ते हैं कि जब पासा सामान्य हो कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो सेम सरफेस वाले नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे, जो कि सरासर क्या है, गलत है। क्योंकि दोस्तों फिक्स नंबर आप कर सकते हो केवल मानक पासे में, सामान्य पासे में विपरीत हमेशा बदलते रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि कोई एक नंबर कॉमन है अलग अलग सरफेस पर है या दो नंबर कॉमन है, तो हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई एक भी नंबर कॉमन नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि 3 का विपरीत केवल 4 आएगा 1 और 6 नहीं आएगा, ये कैसे कह सकते हो आप ये कैसे कह सकते हो कि 5 का विपरीत केवल 6 आएगा 1 और 4 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पासा सामान्य है, यहां तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। बात आई समझ में? तो जो आपने रूल पढ़ा हुआ है इस 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, ये सरासर क्या है, गलत है। इस चीज को आप सुधारिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत होगा और नेगेटिव मार्किंग से आपको माइनस मार्किंग भी पेनल्टी आपको मिलेगी। तो फिर क्या आएगा इसका आंसर, तो आंसर ये आएगा दोस्तों कि अगर पासा सामान्य है तो आपको एक चीज समझनी होगी कि जो सरफेस दिखाई दे रही है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, मतलब 2, 3, 5 आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि 2 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे में चलते हैं तो 1 का विपरीत 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों दिखाई दे रही है साथ, तो ये भी एक दूसरे विपरीत नहीं हो सकती। अब सवाल मान लीजिए हमसे ये है कि 3 का विपरीत बताइए क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 का विपरीत 2 और 5 तो हो नहीं सकता, लेकिन 3 का विपरीत आ सकता है 1 भी 4 भी और 6 भी, मतलब इन तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है इन तीनों का, और इन तीनों में से कोई एक अपोजिट हो सकता है इन तीनों का। कोई नई बात समझ में?
मान लीजिए सवाल आपसे कहा गया कि पांच का विपरीत बताइए, तो आपको पता है पांच का विपरीत दो नहीं आ सकता, तीन नहीं आ सकता, राइट। पांच का विपरीत आ सकता है एक या चार या छह, इन तीनों में से कोई एक आएगा पांच का विपरीत। इसी प्रकार मान लीजिए पूछा गया एक का विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है एक का विपरीत चार और छह तो नहीं होगा, लेकिन एक का विपरीत आ सकता है दो भी, तीन भी, और पांच भी विद पॉसिबिलिटी। तो है वही चीज मैं कह रहा हूं कि एक का विपरीत दो तीन पांच में से कोई एक आपका आंसर आ सकता है। अब सवाल में हमसे पूछा है तीन का पॉजिटिव, तो आपको पता होना चाहिए तीन का विपरीत है वो दो और पांच तो नहीं हो सकता, लेकिन तीन का विपरीत आ सकता है एक भी, चार भी, और छह भी, इन तीनों में से कोई एक। अब मान लीजिए ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं कि तीन का विपरीत बताइए, ऑप्शन ए है दो पांच चार तीन, तो आपको पता है तीन का विपरीत जो है दो नहीं हो सकता, पांच नहीं हो सकता, तीन का विपरीत दो पांच नहीं हो सकता, और तीन का विपरीत खुद तीन भी नहीं हो सकता, तो कहां टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन सी पर। इसी प्रकार अगर ये ऑप्शन इस प्रकार से होते तो ऑप्शन ए एक यस, चार यस, छह यस, आपको पता है इन तीनों में से कोई एक आंसर आ सकता है, लेकिन यहां आप टिक नहीं कर सकते कि कंफर्म आंसर कौन सा होगा, तो कहां जाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन डी के साथ। इसी प्रकार मान लीजिए ऑप्शन इस प्रकार से होते तो आपको बताया तीन का विपरीत पांच नहीं आ सकता, तीन का विपरीत दो नहीं आ सकता। अब आपके सामने ऑप्शन दो है, या तो एक या छह में से कोई एक, या एक चार छह में से कोई है, तो आपको पता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ इन तीनों में से तो कोई एक क्या है, डेफिनेट है, पॉसिबिलिटी यहां से ज्यादा कहां है, यहां है, तो टिक भी आपको यही करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर ऑप्शन इस प्रकार से होते तो आपको पता है चार या एक में से भी आंसर हो सकता है, छह या चार में से भी हो सकता है, एक और छह में से भी हो सकता है, लेकिन तीनों में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में कंफर्म आंसर कौन सा है, तो आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन है डी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है और सामान्य पासे की दो आकृतियां दे रखी हैं, तो ऐसे सवालों को केवल पॉसिबिलिटी के आधार पर सोल्व किया जा सकता है, कन्फर्म बेस पर सोल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब कई स्टूडेंट भी कई टीचर भी इस बात पे बहस करेंगे कि यूएस शेखावत किताब में इस प्रकार से दे रखा है, केवल यूएस शेखावत ही किताब नहीं है रीजनिंग की, बहुत सारी किताबें हैं, एस चांद है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, के पी सिंह है, आर एस अग्रवाल है, लूसेंट है, ठीक है, तो क्या ये सारी किताबें गलत है और यूएस शेखावत सही है? आपको ये खुद समझना चाहिए कि सामान्य पासे में आप ये फिक्स कर ही नहीं सकते कि किसका विपरीत क्या आएगा, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो, ठीक है। तो आप यूएस शेखावत के अलावा कोई और किताब उठा के देखिए, सभी में एक ही रूल है कि पॉसिबिलिटी के आधार पर आंसर आता है, ठीक है। तो केवल एक किताब के भरोसे अपने कंसेप्ट को अधूरा मत छोड़िए, ठीक है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये टाइप है जब सामान्य पासे किसी भी पासे की दो से ज्यादा आकृतियां दे रखी हो, तीन दे रखी हो, चार दे रखी हो, पांच दे रखी हो, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए, तो दोस्तों आकृति चाहे चार हो, चाहे पांच हो, चाहे एक हो, चाहे दो हो, पहला काम आपको ये चेक करना है कि पासा है वो सामान्य है या मानक है, ठीक है। तो आपको यहां पर सात ढूंढना है, तो यहां पे देखें सात नहीं है, यहां भी सात नहीं है, यहां भी सात नहीं है, यहां भी सात नहीं है। मान लीजिए यहां पे आपको सात मिल जाता, कहीं भी सात नहीं था लेकिन यहां पे सात मिल जाता, तो इसका मतलब पूरा ही पासा कौन सा कहलाता है, ये सामान्य कहलाता। मानक तभी होगा जब कहीं भी सात नहीं होगा, तो यहां पे कहीं भी सात नहीं है, इसका मतलब ये पासा कौन सा है, मानक है, और मानक में एक ही रूल लगता है, अपोजिट सरफेस के अंकों का योग कितना होगा, सात होगा। आकृति चाहे तीन हो, चार हो, मानक अगर पासा है तो आंख बंद करके आंसर देंगे कि तीन का विपरीत तो चार होगा, दो का विपरीत पांच होगा, और छह का विपरीत क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, देखने की अभी आवश्यकता नहीं है, तो छह का अपोजिट पूछा है, कहां टिक कर देंगे भाई, एक पर टिक कर देंगे, ठीक है। ये तो ही बात मानक पासे की, आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मानक पासा कहीं भी हो एक ही रूल लगता, अपोजिट का योग सात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि सामान्य पासे की चार आकृतियां दे रखी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जरा। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि जब सामान्य पासे की दो से ज्यादा आकृतियां दे रखी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों जब सामान्य पासे की दो से ज्यादा आकृतियां होती हैं, मान लीजिए तीन है या चार है या पांच है, तो आपको क्या करना है, दो आकृतियों कंपेयर करना है। दो तो आकृतियों को कंपेयर करके हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप दो दो आकृतियों को कंपेयर करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हम कैसे सोल्व करें कि एक बार में ही हमारा कंप्लीट आंसर आ जाए, बार बार हमें कंपेयर करने की आवश्यकता ना पड़े। तो ध्यान रखिए, याद रखिए, गांठ बंद कर लीजिए इस चीज की कि जब सामान्य पासे की तीन या चार आकृति दे रखी हो तो हमें उन दो आकृतियों को कंपेयर करना चाहिए जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। क्या कहा, उन दो आकृतियों को कंपेयर करेंगे जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो ताकि कंप्लीट आंसर ड्रा हो जाए। तो जरा चेक करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्या एक और दो को कंपेयर कर सकते हैं, क्या आप बताइए? नहीं, इनमें तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। क्या एक और तीन को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दो नंबर यहां कॉमन है, दो नंबर यहां भी कॉमन है, तीन एक तीन एक, तो फिर सोल्व क्यों नहीं कर सकते? सर आपने बताया अभी, तो जरा करते हैं। तो मैंने बताया कि जब सामान्य पासे की दो दो नंबर कॉमन हो तो बचा हुआ नंबर क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो हम यहां से ड्रा कर सकते हैं कि छह का अपोजिट क्या आएगा, पांच, छह का पांच, और एक और तीन का विपरीत क्या जाएगा, दो या चार में से कोई एक। अब मान लीजिए सवाल आया एक का विपरीत क्या आएगा, तो पॉसिबिलिटी के आधार पर आंसर थोड़ी दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास चार आकृतियां हैं, कन्फर्म आंसर दीजिए, आपसे यही उम्मीद की जाती है। तो हम एक और तीन को भी यहां पे कंपेयर नहीं करेंगे। क्या एक और चार को कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि तीन और छह यहां भी कॉमन है, तीन और छह यहां भी कॉमन है। का सोल्व तो कर सकते हैं लेकिन आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए उनको चेक कीजिए, उनको कंपेयर कीजिए जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। तो क्या दो और तीन को कंपेयर कर सकते हैं? यस, पांच यहां भी कॉमन है, पांच यहां भी कॉमन है, कॉमन नंबर ऊपर नीचे लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पांच के बाद चार, चार के बाद दो, इसी प्रकार यहां पे पांच के बाद तीन, तीन के बाद एक। अभी हमने आपको बताया रूल, वही रूल चीज यहां पे लगती है जो हमने पीछे पढ़ी। तो हम यहां पे ड्रा कर रहे हैं, दो का विपरीत एक आएगा, तीन का चार आएगा, और पांच का क्या बच गया भाई, छह आएगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए एक और चार को कंपेयर करते तो तीन और छह यहां पे कॉमन था, तीन और छह यहां पे कॉमन था, तो बचा हुआ कौन कौन सा भाई, एक का विपरीत क्या आएगा, दो। तो इन दो के आधार पे केवल एक आंसर दे सकते थे कि एक का विपरीत तो दो आएगा, लेकिन तीन और छह का आंसर हम पॉसिबिलिटी के आधार पे देते कि चार या पांच में से कोई एक आता। लेकिन जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कंफर्म आ सकता है कि एक का तो दो ही आएगा, लेकिन चार का भी कंफर्म तीन आएगा, और पांच का भी कंफर्म क्या आएगा, छह आएगा, जबकि यहां पे छह का हमें अपोजिट का पॉसिबिलिटी पे देना पड़ता, या तीन का विपरीत पॉसिबिलिटी पे देना पड़ता, जबकि यहां पे हमारे पास कंफर्म है, ठीक है। जरा फिर से रिएक्शन चेक करते हैं इनका। हमने दो और तीन को कंपेयर किया, क्या हम दो और चार को कंपेयर कर सकते हैं? यस, यहां भी दो कॉमन है, यहां भी दो कॉमन है, कॉमन नंबर ऊपर नीचे लिखा, दो से क्लॉकवाइज पांच और पांच के बाद चार आएगा, जबकि यहां पे दो के बाद छह और छह के बाद तीन आएगा। तो देखिए दोस्तों, तीन का विपरीत चार ही होगा, पांच का विपरीत छह ही होगा, और दो का विपरीत क्या होगा, एक ही होगा। आप कहीं भी कंपेयर कर लीजिए, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन समय बचाने के लिए शुरुआत में ही उन दो आकृतियों को कंपेयर कीजिए जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो, ठीक है। क्या हम तीन और चार को कंपेयर कर सकते थे? नहीं, यहां पे कोई नंबर कॉमन, यस कर सकते थे, तीन और चार को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, तीन यहां भी कॉमन है, तीन यहां भी कॉमन है, कॉमन नंबर ऊपर नीचे लिखा भाई, तीन के बाद एक और एक के बाद पांच, जबकि यहां पे तीन के बाद दो और दो के बाद छह, तो देखिए पांच का छह आएगा, एक का दो ही आएगा, तीन का क्या रहा है, चार ही आ रहा है, तीनों में आंसर सेम है, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि समय कितने समय में आप जल्दी सोल्व करते हो। इसलिए कम समय में सोल्व करने के लिए जब आकृति दो से ज्यादा दे रखी हो तो उन दो को कंपेयर कीजिए जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। आइए एक और एग्जाम्पल, आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं उसी प्रकार का, जब सामान्य पासे की दो से ज्यादा आकृतियां दे रखी हो। तो मैंने आपको पहले बताया उन दो को ही कंपेयर करते हैं जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। तो देखिए क्या पहली और दूसरी कंपेयर कर सकते हैं? यस, पांच यहां भी है, पांच यहां भी है, एक ही सरफेस पर है, क्या है, पांच यहां भी कॉमन है, पांच यहां भी कॉमन है, यहां भी राइट पर, यहां भी राइट पर, तो सोल्व हो गया सवाल कि सेम सरफेस वाले नंबर एक दूसरे विपरीत जाएंगे जब एक नंबर कॉमन हो, तो तीन का क्या जाएगा, विपरीत
तीन का चार आ जाएगा, दो का छह आ जाएगा और पांच का भाई कितना एक आ जाएगा। क्या हम एक और तीन को कंपेयर कर सकते थे? नहीं, दो और तीन यहां कॉमन था, दो और तीन यहां पे कॉमन था, केवल एक आंसर बता सकते थे कि एक का विपरीत क्या होता, पांच होता, जबकि दो और तीन का हमें आंसर पॉसिबिलिटी भी देना पड़ता। ठीक है, क्या एक और चार कंपेयर कर सकते हैं? क्या नहीं, दो तीन पांच एक छह चार नहीं कर सकते, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। क्या दो और तीन को कंपेयर किया जा सकता था? नहीं, चार पांच छह एक दो तीन नहीं हो सकता। क्या दो और चार को कंपेयर कर सकते हैं? क्या नहीं, छह चार वही एक का विपरीत पांच निकल गया था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्या हम तीन और चार को कंपेयर कर सकते हैं? क्या यस, एक यहां भी कॉमन है, एक यहां भी कॉमन है, एक यहां भी सामने है और एक यहां भी सामने है। जब सामान्य पासे की दो आकृतियां हो, एक नंबर कॉमन हो, एक ही सतह पर हो, तो बचे हुए नंबर क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। मतलब दो का विपरीत क्या आएगा? छह, और तीन का पांच, और एक तीन का चार और एक का पांच आ जाएगा। तो देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब दो से ज्यादा करते दे रखी होती हैं तो उन्हें दो को कंपेयर कीजिए जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। ठीक, आंसर कभी चेंज नहीं होता, आपका समय बचता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है। ठीक है, हम आपके लिए पूरी सीरीज लेके आएंगे, रीजनिंग के तो कम से कम लेके आऊंगा मैं, लेकिन वीडियो इसी प्रकार से मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की मिलेंगी डेली आपको, क्योंकि उससे ज्यादा वीडियो बनाते हैं तो मोबाइल फुल हो जाता है, मेमोरी रहती नहीं है, तो फिर कहाँ सेव करें वीडियो उसको। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होगा मोबाइल में 40-45 मिनट से ज्यादा वीडियो बनती भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।